हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी हेल्दी और टेस्टी पकौड़ा। आप सोच रहे होंगे कि पकौड़ा और वो भी हेल्दी। हाँ, बिल्कुल हेल्दी पकौड़ा है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें पड़ी हुई है जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, जैसे कि स्प्राउट मूंग है और कॉर्न है और पत्ता गोभी है। और तो कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें पड़ी हुई ना, और इसके पकौड़े बनाए हैं और आलू है। तो देखिए, चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बनाना तो यहाँ पर मैंने एक कटोरा मूंग लिया, आधा कटोरा मैंने कॉर्न ले लिया और दो आलू लिए हैं और एक टुकड़ा पत्ता गोभी का ले लिया है। और साथ में मैंने ले लिए हैं दो मिर्ची और आधा टुकड़ा अदरक का ले लिया है। आप मतलब कम ज़्यादा अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये सब। इसके पकोड़े आप जब बनाओगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगने वाले हैं। तो इस तरीके से मैंने आलू बहुत बारीक बारीक कट कर लिए हैं, पत्ता गोभी भी कट कर लिया है, और जो मेरा मूंग और कॉर्न था ना, उसको मैंने पीस लिया है मिक्सी में। एकदम बारीक पीस लेना है और उसके बाद एक बाउल में हम लोग उसको मिक्स कर लेंगे सब गोभी। और उसके बाद हम इसमें एक चम्मच मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे। और यहाँ पर मैंने इसमें बेसन ऐड कर लिया है एक कटोरे के लगभग। जितना हमारा मूंग था ना, उसके हिसाब से हमें बेसन भी ऐड करना है। तो एक कटोरा मूंग था, एक कटोरा बेसन भी ऐड करना है। तो यहाँ पर उसके बाद मैंने ऐड कर लिया है इसमें नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। और हरी मिर्ची मैंने डाली है, इसलिए मैंने थोड़ा लाल मिर्ची कम डाली, हरी मिर्ची मैंने उसमें पीस ली है। तो इसको अब हम अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो मतलब जिससे भी आपको मिक्स करना है उससे आप मिक्स कर सकते हैं। तो इस तरीके से अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और एक अच्छा सा डो, क्या बोलते हैं, बैटर बना लेंगे, जिससे हम अच्छे अच्छे पकौड़े बना सकें। तो यहाँ पर मैं उसके बाद इसमें धनिया डाल दूँगी, जिसको मैंने थोड़ा सा मोटा कट कर लिया है, बारीक कट नहीं किया, थोड़ा मोटा, ताकि उसके पत्तों का स्वाद ना हमारे मुंह में आए। तो इस तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। जिस तरीके से मैंने गोभी कट की थी ना, तो गोभी वैसे मैंने बारीक कट की थी। तो यहाँ पर मेरा ऑयल गर्म हो चुका है, तो यहाँ पर मैंने ना सुबह बच्चों के लिए भी यही बनाया हुआ था, तो ये वही ऑयल में मैं इसमें वापस बना रही हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर एक चम्मच की सहायता से हम छोटे छोटे सा इसमें डाल देंगे, छोटा बड़ा आप जो अपनी सुविधा के अनुसार बना सकते हैं, हाथ से डालिए या चम्मच से डालिए। पर ये बहुत ज़्यादा सुपर टेस्टी है और हेल्दी भी है, क्योंकि इसमें स्प्राउट मूंग पड़ा हुआ है। तो स्प्राउट मूंग वैसे भी बहुत अच्छा होता है और कॉर्न भी बहुत अच्छा होता है। तो आजकल मानसून सीजन है, अच्छे अच्छे कॉर्न आ रखे हैं मार्केट में, तो इसके पकौड़े आप किसी तरीके से भी खा सकते हैं, इसके पराठे खा सकते हैं, पराठे भी बहुत अच्छे होते हैं कॉर्न के। और कॉर्न को हम ना ऐसे ही पीस के उसका चीला चीला जो बनता है ना, वो भी बहुत टेस्टी बनता है कॉर्न का चीला, वो भी मैं कभी आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। तो देखिए, इस तरीके से हमको पकौड़ों को अलट पलट के एकदम कुरकुरे बना लेना है, जो कि खाने में काफ़ी कुरकुरे क्रिस्पी क्रिस्पी लगे। और इस बारिश के मौसम में तो पकौड़े खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो ये देखिए किस तरीके से ये पक रहे हैं, तल रहे हैं, जो भी आप बोले। ये देखिए इतना क्रिस्पी बनाना है। और उसके बाद हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और गर्मा गर्म सॉस के साथ, चटनी के साथ, जो भी आपके पास अवेलेबल हो ना उस टाइम पे, उसके साथ आप खा सकते हैं इसको, मज़ा ले सकते हैं बारिश का चाय के साथ। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं ये पकौड़े, आप ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना, ठीक है। अगर आपने ट्राई किया ना, तो मुझे कमेंट करके बताना कि आपके पकौड़े कैसे बने, कॉर्न के और मूंग दाल के। और खाली कॉर्न के पकौड़े भी बनते हैं, वो भी टेस्टी होते हैं, लेकिन इसमें जो मूंग दाल का फ्लेवर आया था ना, तो वो बहुत ज़्यादा टेस्टी हुआ था। और दोनों मिक्स हो गए, सब सारे फ्लेवर एक साथ हो रहे, तो 4-in-1 पकौड़ा बोलेंगे इसको। तो ये देखिए कितना टेस्टी सा पकौड़ा हमारा बन के हो गया है रेडी। अब इसी तरीके से हम और पकौड़े अपने बना लेंगे और गर्मा गर्म परोसेंगे और सब लोग मज़े से खाएंगे। तो आप लोग भी ज़रूर जल्दी जल्दी से ट्राई करिए अपने घर पे इस पकौड़ों को, और मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को कैसे लगे ये पकौड़े। ये देखिए कितने क्रिस्पी से पकौड़े बने हुए हैं, तो बन के हो गए रेडी। तो यहाँ पर ना मेरे पास चटनी नहीं थी, तो मैंने ग्रीन सॉस और टमेटो सॉस के साथ सर्व किया है, क्योंकि अचानक से प्लान बना था कि पकौड़े बनाएंगे, तो चटनी हमने बनाई नहीं, तो इसी के साथ सर्व करेंगे। तो इसके सेजवान चटनी के साथ भी बहुत टेस्टी लगते हैं। देखिए कितने अच्छे पकौड़े बनके हो गए रेडी। तो आप लोग भी पकौड़े खाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसे लगे ये पकौड़े की रेसिपी, और ज़रूर बताना कमेंट करके। और उसके बाद मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना,
और बेल आइकॉन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली जो वीडियो होती है ना उसकी जो नोटिफिकेशन होती है वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप मेरे वीडियो को इंजॉय कर सके। और यहाँ पर मैं ब्लॉग भी डालती हूँ और रेसिपी भी डालती हूँ। तो मिलूंगी ऐसी कोई नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय।